ब्रह्मपुर ब्लॉक में प्रत्याशियों और समर्थकों के बवाल पर हुए बुधवार वोटों के मिलान के बाद जिला पंचायत के 3 वार्डों का परिणाम बुधवार की देर रात बदल दिया गया। जांच में यह बात सामने आई कि ब्रह्मपुर रिटर्निंग ऑफिसर आरओ की गड़बड़ी से कुल वोटों में फेरबदल करते हुए वार्ड नंबर 60 और 61 में हारे प्रत्याशियों को जिता दिया गया था। इस मामले में डीएम ने ब्रह्मपुर के आरओ सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता XEN वीरेंद्र कुमार यादव के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। उनके खिलाफ चुनाव आयोग को भी लिखा गया है। इसी तरह वार्ड नंबर 45 में भी मुख्यालय स्तर पर लिपकीय थूटी से जीते उम्मीदवार को हरा दिखा दिया गया था। ब्लॉक से आरओ ने सही रिपोर्ट दी थी, यही वजह है कि वहां के आरओ बच गए। इसके बाद देर रात डीएम के विजेंद्र पांड्यान, CDO इंद्रजीत सिंह एवं ADM FR राजेश सिंह ने मैनुअली मिलान किया। इसके बाद स्पष्ट हुआ कि वार्ड नंबर 60 से रवि प्रताप निषाद को 8635 वोट मिले हैं, जबकि स्थानीय आरओ ने 6539 वोट दिखाए थे। वहां से विजयी घोषित किए जा चुके गोपाल यादव को 6914 वोट मिले थे। इस तरह संशोधित परिणाम में वार्ड 60 से रवि प्रताप निषाद 1721 वोट से विजय घोषित किए गए हैं। वार्ड नंबर 61 में कोदई सहानी को कुल 4464 वोट मिले थे, जबकि आरओ द्वारा 3130 वोट दिखाए गए थे। रमेश को 3812 वोट पाया दिखाकर विजय घोषित कर दिया गया था, जबकि रमेश के वास्तविक वोट 4186 हैं। इस तरह संशोधित परिणाम में कोदई को 278 वोटों से निर्वाचित घोषित किया गया। वार्ड 45 में राम अचल को लिपकीय त्रुटि के कारण 9376 वोट पाकर जीता हुआ दिखाया गया था, मगर अधिकारियों की ओर से मिलान करने पर साफ हुआ कि इस वार्ड से 6584 वोट पाकर देवशरण विजयी हुए हैं, जबकि राम अचल को 6441 वोट मिले हैं। वार्ड नंबर 21 और 32 को लेकर भी शिकायतें थी, लेकिन जांच में दोनों के परिणाम सही पाए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी DM के विजेंद्र पांड्यान के अनुसार जिला पंचायत वार्ड 21, 32, 45, 60 और 61 के संबंध में शिकायतें मिली थी। सभी वार्डों में पड़े मतों का बुधवार मिलान किया गया। इस समय 21 और 32 के परिणाम सही मिले। वार्ड नंबर 45 में लिपकीय त्रुटि से रामचल को जीता हुआ बताया गया था, इसे सुधार कर देवशरण को विजेता घोषित किया गया है। वार्ड नंबर 60 में परिणाम संशोधित कर रवि प्रताप निषाद और 61 में कोदई सहानी को विजयी घोषित किया गया है। इन दोनों वार्डों के परिणामों के बारे में ब्रह्मपुर के आरओ की गलती सामने आई है। आरओ सिंचाई विभाग के XEN वीरेंद्र कुमार यादव के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। उनके खिलाफ चुनाव आयोग को भी कार्रवाई के लिए लिखा गया है।